हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में एंड आप सभी को नमस्ते। तो सीधा टॉपिक पे बात करता हूँ, इज इट रियली वर्थ इट टू मूव टू विनीपैग या मैनिटोबा में, चाहे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या वर्क परमिट पे हो, LMI रिलेटेड जॉब पे हो। देखो यार, होना ना होना वर्थ इट है या नहीं है वो तो आप इस वीडियो में समझ जाओगे, और आखिरी में आपको मैं सजेस्ट भी करूँगा कि आपको यहाँ पे मूव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पहले आपको मैं इस जगह के बारे में, इस पूरे प्रोविंस के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, हर एक चीज़ के रिगार्डिंग, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो, जॉब्स के रिगार्डिंग हो, पार्ट टाइम फुल टाइम, किस तरह की जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल है, रेंट अकोमोडेशन कैसा है, लोग कैसे है, कल्चर कैसे है, पॉपुलेशन कैसे, इकॉनमी कैसी है, टैक्स के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो को बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूँगा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको पहले कहना चाहूँगा, अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, दो चीज़ अपने माइंड में रखना और दो चीज़ों पर फोकस करना कि आपको जल्दी और इजी PR कहाँ मिलेगा। दूसरी चीज़, वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबिलिटी है, अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। अगर आप वर्क परमिट पे हो, LMI रिलेटेड जॉब पे हो, आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगा, क्योंकि आप पैसे कमाओगे, तो ये इसी चीज़ पे फोकस करना कि आपको वहाँ पे जल्दी और इजी PR मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो ही मूव ऑन होना, नहीं मिलेगा तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, चूज़ डैट प्रोविंस जहाँ पे आपको जल्दी और इजी PR मिले। ऐसे प्रोविंस में मूव हो जाओगे लाइक ओंटारियो या ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में, तो वहाँ पे आप बस काम ही करते रह जाओगे, कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। PR के लिए आपसे 5-6 साल वेट करते रह जाओगे। अभी ओंटारियो प्रोविंस का जो CRS स्कोर चल रहा है वो पहले था 504, उसके बाद हुआ 531, अभी है 511 करेंटली, आज 2 अक्टूबर है। और सीधा बात करते हैं टॉपिक पे, मुद्दे पे बात करते हैं, विनीपैग और मैनिटोबा के रिगार्डिंग, इज इट रियली वर्थ इट और नॉट, और प्रो और कॉन्स के बारे में भी मैं बताऊंगा। तो वॉच द वीडियो टिल द एंड, और वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर कर देना अगर दिल करता है तो, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू सपोर्ट दिस चैनल यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग इट। तो यार देखो, शुरुआत करते हो PR से। देखो, हर किसी बच्चे का और हर किसी पर्सन का, चाहे वो स्टूडेंट हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या वर्क परमिट पे, LMI रिलेटेड जॉब पे आया है, उसका फोकस यही होता है कि उसको जल्दी और इजी PR कहाँ मिलेगा। तो विनीपैग तो कैपिटल है मैनिटोबा की, मैनिटोबा में PR मिलना बहुत इजी है, बहुत जल्दी है, चाहे आप विनीपैग, एक ही मेट्रोपॉलिटन कैपिटल सिटी है वहाँ की, जो वहाँ की कैपिटल सिटी भी है, चाहे आप विनीपैग में पढ़ाई करते हो, चाहे आप किसी भी टाउन में, सिटी में वर्क करते हो, किसी भी और टाउन सिटी में वर्क करते हो मैनिटोबा के अंदर, आपको PR मिलना इजी है। अगर आपने 1 ईयर का यहाँ से कोर्स किया हुआ है, और 1 ईयर कोर्स करने के बाद आपने 6 मंथ्स का आपने फुल टाइम वर्क किया हुआ है, तो आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हो PNP प्रोग्राम के लिए, आप PR फाइल कर सकते हो। और ये भी ज़रूरी नहीं है, फॉर एग्जांपल से मान लीजिए कि आपने 1 ईयर का कोर्स किया आपने मैनेजमेंट में, और आपने जो वर्क किया है वो आपने किया है एग्रीकल्चर में या किसी टेक्नीशियन वर्क में, मतलब डिफरेंट फील्ड में वर्क किया है, पढ़ाई आपने किसी और चीज़ पे करी है, और आपने जो फुल टाइम वर्क किया वो किसी और चीज़ में किया है, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है आपका, आप PNP में PR के लिए फाइल लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने जिसमें पढ़ाई करी है आपको उसी में ही अपना फुल टाइम वर्क ही करना है, ऐसा कोई सीन नहीं है मैनिटोबा में, तो ये सबसे अच्छी बात है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि अगर हम 1 ईयर का कोर्स करें और 6 मंथ्स का फुल टाइम वर्क करें तो हम एलिजिबल तो हो जाएगा, क्या हमें इतना जल्दी PR मिल जाएगा? ज़रूरी नहीं है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द वीज़ा ऑफिसर, इमिग्रेशन ऑफिसर, वीज़ा ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है, और ये भी डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी गई हुई है PR के लिए, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास 1 ईयर का, आपने 1 ईयर का कोर्स किया हुआ है, 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, और उसके बाद आपको आराम से विद इन 6 मंथ्स के अंदर आपको मिल ही जाएगा PR, क्योंकि होता क्या है, आप 1 ईयर का कोर्स करते हो, आपको जो वर्क परमिट मिलता है वो 1 ईयर का मिलता है, और आप 2 ईयर्स का कोर्स करते हो तो आपको जो वर्क परमिट मिलता है वो आपको 3 ईयर्स का मिलता है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि अगर मैं 1 ईयर का कोर्स करूँ और 6 मंथ्स में एक्सपीरियंस लूँ तो मैं ये इनफ है, तो देखो अभी जो हालात चल रहे हैं, करंट हालात के हिसाब से इनफ नहीं है। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो या तो आप अपना वर्क एक्सपीरियंस, मतलब जो भी है, एक्सटेंड कराना, या तो आप LMI लेना, यही एक तरीका है। अगर आपको 2 ईयर्स का कोर्स मिल रहा है तो मैं आपको कहूँगा आप 2 ईयर्स के कोर्स में जाओ, जिससे आप सेफर साइड रहोगे, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर है। बट मैं एक ही चीज़ कहूँगा, कोर्स या जो भी आप स्ट्रीम में जाते हो उसको ढंग से ऑप्ट करना, सही चीज़ ऑप्ट करना जिसकी डिमांड हो, जिसकी रिक्वायरमेंट हो। ऐसा कुछ भी मत ऑप्ट कर लेना जिसकी डिमांड ही ना हो, कैनेडा में इसकी रिक्वायरमेंट ही ना हो। अगर आपको जॉब करनी है तो कोर्स अपना वाइजली चूज़ करना, लेकिन अगर आपको बिजनेस करना है, आप चाहते हो कोई बात नहीं कोई भी कोर्स ले लूँ, मेरे को बस कैनेडा में आना है, उसके बाद तो मुझे अपना बिजनेस ही करना है,
मतलब आफ्टर गेटिंग द पीआर, तो फिर आप कुछ भी ले लो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यार बात करता हूँ मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग। तो यार पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताओ तो पूरे कैनेडा में बैंड बजे हुए हैं, एक्सेप्ट 4-5 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को छोड़ के, लाइक टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल, एडमिंटन, कैलगरी। बाकी हर जगह पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे पब्लिक बस है, और यहाँ पे पब्लिक बस है लेकिन आपको वहाँ पे साथ साथ ट्रैम भी मिल जाएगी। लेकिन पब्लिक बस की जो सर्विस है वो बहुत अच्छी है। लेकिन मैं आपको कुछ छोटी सिटी, छोटा टाउन के बारे में कहूँ, या किसी भी जगह में कहूँ कि कोई भी छोटी सिटी है कोई भी प्रोविंस में, वहाँ पे पब्लिक बस ही मिलेगी लेकिन उसकी सर्विस बहुत ख़राब है। आपको पब्लिक बस तो मिलती है लेकिन वो 30-40 मिनट्स की गैप में आती है। अगर आपको विनीपैग के रिगार्डिंग बताऊँ तो विनीपैग में सर्विस अच्छी है, एक्चुअली विनीपैग में ही सर्विस अच्छी है पूरे मैनिटोबा में, बाकी जगह तो सर्विस अच्छी नहीं है। और अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और अगर आपका आपको मंथली पास बनाना है तो जो आपका फुल फेयर लगता है एक महीने का वो बनता है $107 का। और अगर आप यूथ फेयर बनाते हो जो मतलब एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो आपका वो पास बनता है $77 का। बाकी सीनियर्स के लिए अलग है, हैंडीकैप के लिए अलग है, बाकी बच्चों के लिए अलग है, तो हर किसी के लिए अलग अलग पास बनता है। लेकिन आपका अराउंड $77 से $100 के बीच में आराम से बन जाता है आपका मंथली ई पास, जिसे हम विनी पास या पोगो पास भी कहते हैं यहाँ पे। तो यार एक ही चीज़ कहूँगा, मैनिटोबा में ना सिर्फ विनीपैग में ही सर्विस अच्छी है, पब्लिक बस अच्छी है, बाकी किसी भी टाउन किसी भी सिटी में जाओगे सर्विस बहुत ख़राब है। अगर आपके पास गाड़ी है, अगर आप कोई गाड़ी ओन करते हो तो बहुत अच्छी बात है, इट्स गुड फॉर यू। अगर गाड़ी आपके पास नहीं है देन यू विल फील लाइक अ हैंडीकैप्ड। विनीपैग बहुत बड़ी सिटी नहीं है, ठीक ठाक सिटी है, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और बहुत छोटी भी नहीं है, लेकिन दिस इज़ द ओनली मेट्रोपॉलिटन सिटी इन द मैनिटोबा, और सही सिटी है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे अच्छा है। इवन जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो सिर्फ आपको विनीपैग में ही मिलेगी, और मैनिटोबा में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ है। किसी भी टाउन किसी भी रूरल एरिया में जाते हो, अगर कहीं जगह पढ़ते हो तो आप भूल ही जाओ कि आपको आराम से कोई जॉब मिलेगी। जॉब की मारामारी वैसे भी है कनाडा में और ऐसे प्रोविंस में तो बहुत ही है। अगर आप विनीपैग में जाते हो तो आपको थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, डिफरेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, डाइवर्स अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, चाहे वो रिटेल से लेके हो, मैनेजमेंट फील्ड से हो या आईटी फील्ड से हो। आईटी फील्ड की बहुत ही ना के बराबर है, या कोई बैंकिंग सेक्टर हो या कोई रेस्टोरेंट हो, फूड चेन हो, तो आपको थोड़ी बहुत जॉब मिल जाएगी। अगर आप पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में कहूँ तो इतनी नहीं है, मशक्क़त आपको करनी पड़ेगी लेकिन मिल जाएगी। थोड़ा टाइम लग सकता है कि आपको 2-3 महीने खाली भी बैठना पड़े, इट्स ऑल डिपेंडिंग अपॉन द टाइम टू टाइम। अब विंटर सीजन्स में तो बहुत जॉब्स कम होती है, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँ, समर्स में आपको तब भी जॉब मिल जाएगी लेकिन विंटर सीजन में आपको जॉब नहीं मिलती है। तो ये अगर आपको मैं बेसिक पे कहूँ या जो भी आवर्ली वेज के हिसाब से कहूँ तो अभी बढ़े अक्टूबर 1 से, और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अक्टूबर 2 है, तो जो पहले रेट था वो 14.15 था मैनिटोबा प्रोविंस में, जो अक्टूबर 1 से 15.30 हो गए, $15.30। तो ठीक है अक्टूबर 1 से मतलब कल ही बढ़े हैं प्राइस, बाकी ओवरऑल ये डिपेंड करता है कि आपको जॉब मिलती है नहीं मिलती, लेकिन जॉब्स की मारामारी तो है, इतना तो मैं आपको कहूँगा। लेकिन उसमें एक ही चीज़ मैं आपको कहूँगा कि लर्न स्किल्स, वैसे मैंने बहुत सारी वीडियो में बोला हुआ है, जितने ज़्यादा स्किल्स उतने ज़्यादा ऑप्शंस अपॉर्चुनिटी, उतना ज़्यादा आप अच्छा अर्न कर पाओगे, उतना कम कंपटीशन आपके लिए होगा और उतना आप सक्सेसफुल रहोगे, माइंड पीसफुल रहेगा, रिलैक्स रहेगा, लाइफ आपकी चिल रहेगी, अपने ग्रॉसरीज भी पे कर पाओगे, रेंट एकोमोडेशन भी पे कर पाओगे और नेक्स्ट ईयर की या नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस भी आराम से आप पे कर पाओगे। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा जो अनदर पॉइंट है, विंटर बड़ी हार्श होती है, 5 से 6 महीने विंटर्स रहती है, विंटर बहुत हार्श होती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है, टेम्परेचर -35-50 तक आराम से जाता है, मतलब 35-40 तो आपका एवरेज टेम्परेचर है माइनस में। तो ये याद रखना, देखो एक चीज़ याद रखना, जहाँ पे इजी पी आ रहा है ना वहाँ पे कठिनाइयाँ भी हैं, चाहे वो जॉब्स के रिगार्डिंग हो चाहे वो वेदर के रिगार्डिंग हो। जहाँ पे इजी पी आ मिलेगा वहाँ पे वेदर हार्श, स्ट्रॉन्ग विंड्स तो होगी और पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी फुल टाइम अपॉर्चुनिटी भी डिफ़िकल्टीज होगी। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ चूज़ योर सिटी, प्रोविंस, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज वेरी वाइजली, बिकॉज इट अफेक्ट्स यू अलॉट। दोनों चीज़ें फोकस करना कि आपको कहाँ पे जल्दी और इजी पीआर मिल रहा है और आपको पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ मिल रही है। अगर मैं वर्क परमिट वालों के लिए कहूँ जो वर्क परमिट पे आना चाहते हैं, LMI रिलेटेड जॉब पे आना चाहते हैं, अगर आप देखो यार सबको पता है कि LMI कैसे मिलता है, LMI फ्री में नहीं मिलता, LMI आपको पैसे देने पड़ते हैं। पैसे दोगे तो एक ही चीज़ कहूँगा, विनीपैग को चूज़ करो, मैनिटोबा को चूज़ करो, पैसे भी कमाओगे वहाँ पे और आपको जल्दी और इजी पीआर मिल जाएगा। अगर आप रूरल एरिया में वर्क करते हो, मैं आपको एक और चीज़ कहूँ,
मैनिटोबा में अगर आप रूरल एरिया में वर्क करते हो, आप 6 मंथ्स के बाद एलिजिबल हो जाते हो फॉर द PR फाइल लगाने के लिए PNP में, तो आप PR लगा सकते हो। लेकिन आप सिटी में वर्क करते हो विनीपैग में, तो आपको 1 ईयर आपको वर्क करना होता है 6 मंथ्स, 1 ईयर के बाद, सॉरी 1 ईयर वर्क करना होता है, 1 ईयर के बाद आप फाइल लगा सकते हो। तो कोई इतना लोड नहीं है, टेंशन की बात नहीं है, ईजी PR है, जल्दी आपको अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिलती। अगर आप LMI वर्क परमिट पे हो तो आपके पास ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो आपको दिक्कतें आएगी। अब मैं बात करता हूँ रेंट एंड एकोमोडेशन के रिगार्डिंग। यार विनीपैग में ना रेंट एंड एकोमोडेशन बहुत महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है। अगर आपको किसी टाउन हाउस में जाते हो, अगर आपको प्राइवेट रूम चाहिए, तो आपको 350 डॉलर के अंदर आपको आराम से मिल जाएगा, नॉट इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा $70 to $100 पर मंथ। तो आप ये मान लो कि आपको ऑलमोस्ट 300-400 डॉलर के अंदर आपको आराम से मिल जाता है प्राइवेट रूम, अगर किसी सिंगल पर्सन को भी रहना है तो। लेकिन अगर आपको अपार्टमेंट चाहिए, आपको अपार्टमेंट 2 BHK अपार्टमेंट आराम से मिल जाएगा, अच्छा खासा अपार्टमेंट मिल जाएगा इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़, आपको $800 के अंदर, $800-$850 में आपको आराम से कोई भी अपार्टमेंट अच्छा मिल जाएगा, जिसमें लिविंग रूम भी होगा और 2 आपके बेडरूम होंगे और सब कुछ, बाकी यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड होती है, मतलब बिजली और पानी सब कुछ इंक्लूडेड होगा। सो यार नाउ वी विल टॉक अबाउट द टैक्स सिस्टम। तो यार मैनिटोबा में बहुत ज़्यादा टैक्स लगता नहीं है, लेकिन बहुत कम भी टैक्स लगता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं इनकम पे बताऊँ कि इनकम पे कितना टैक्स लगता है, तो इनकम पे जो आपको टैक्स लगेगा वो लगेगा बिटवीन 10% से लेके 17.4% के बीच में आपका टैक्स लगेगा। ये तो हो गया इनकम पे टैक्स लगने वाला। अब एक होता है कि कॉमोडिटी पे या किसी आप कोई सर्विस लेते हैं उन पे कितना टैक्स लगता है। तो एक होता है GST, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो 5% है, जो फेडरल गवर्नमेंट को जाता है, मतलब कैनेडा के सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, जो हर प्रोविंस में सेम है 5%, चाहे वो आप अल्बर्टा में रहते हो, मैनिटोबा में, सस्कैचवान में, ओंटारियो में, ब्रिटिश कोलंबिया में, किसी भी प्रोविंस में रहते हो कैनेडा में, वो आपका 5% लगेगा। लेकिन एक होता है PST, जिसे हम कहते हैं प्रोविंशियल टैक्स। अब हर प्रोविंस का अलग अलग टैक्स होता है। प्रोविंस मतलब स्टेट, ऐसे इंडिया में स्टेट्स होती है, वैसे कनाडा में उसे प्रोविंस कहा जाता है। अल्बर्टा में 0% है, मैनिटोबा में 7% है, ओंटारियो में 10% है और ब्रिटिश कोलंबिया में 13% है, अराउंड इतने कुछ परसेंट है। अगर आपको मैं मैनिटोबा के रिगार्डिंग बताऊँ तो अभी राइट नाउ करेंटली 7% है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी कमोडिटी ली, आपने मोबाइल लिया $1000 का, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने $1000 का कोई भी फ़ोन लिया, उस पर जो आपको टैक्स लगेगा वो आपको GST भी लगेगा और PST भी लगेगा, मतलब GST 5% लगेगा और PST 7%, तो ये हो गया 12%। तो $1000 के ऊपर आपका 12% टैक्स लगेगा, तो $1000 प्लस आपको 12% जो टैक्स बनेगा वो आपको उतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं है, लेकिन बहुत कम भी टैक्स नहीं है। अगर आपको मैं टैक्स की रिगार्डिंग बताऊँ, जो हेवन है इन कैनेडा में, तो अल्बर्टा इज़ द ओनली प्रोविंस जहाँ पे आपको 0% प्रोविंशियल टैक्स लगता है। उसका एक रीज़न है क्योंकि जो अल्बर्टा की जो इकॉनमी है वो चलती है नेचुरल गैस के ऊपर और पेट्रोलियम के ऊपर, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर चलती है, इसलिए वहाँ पे जो टैक्स है, प्रोविंशियल टैक्स है, वो 0% है। लेकिन वहाँ भी GST लगता है 5%। मैनिटोबा में 5% GST लगेगा और 7% प्रोविंशियल टैक्स आपका लगेगा। तो यार ये तो थी पूरी कहानी मैनिटोबा की हर एक चीज़ के रिगार्डिंग। अब मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूँ कि आपको मैनिटोबा में, विनीपैग में मूव ऑन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो यार मेरे हिसाब से आपको होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंडिया से आ रहे हैं, आप अपनी किसी भी होम कंट्री से आ रहे हैं, अगर आप कनाडा आ रहे हैं, आपका फोकस 2 चीज़ पर होना चाहिए, आपको जल्दी PR कहाँ मिलेगा और आपको पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी। तो एजुकेशन के मामले में यूनिवर्सिटी ऑफ विनीपैग है सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी है पूरे मैनिटोबा प्रोविंस में। आप वहाँ पे एडमिशन लीजिए, 1 साल का 2 साल का कोर्स करिए, 6 महीने का आप फुल टाइम वर्क करिए, PR लगाइए, जब हाथ में आपको PR मिल जाए तो आपको लगे कि मुझे वहीं पे रहना है, वहीं पे स्टे करना है, मैनिटोबा में रहना है, आगे कंटिन्यू करना है, तो मैनिटोबा में कंटिन्यू करिए। अगर आपको लगे कि मुझे मेरी जो फील्ड है या मुझे वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, वहाँ पे इतना कमा नहीं पा रहा, तो या तो क्यूबेक मूव हो जाइए या तो फिर आप ओंटारियो या ब्रिटिश कोलंबिया मूव हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। और यार अगर आप एडवेंचरस पर्सन हैं या अगर आपको अकेला रहना पसंद है, अगर आपको फॉरेस्ट या ग्रीनरी बहुत पसंद है, तो मैनिटोबा इज़ फॉर यू। मैनिटोबा में एडवेंचर बहुत है, स्नो ज़्यादा पड़ती है, अगर आपको लाइक स्नो से रिलेटेड कोई भी गेम्स खेलना पसंद है तो मैनिटोबा इज़ फॉर यू। सारा टैक्स नहीं लगता, लेकिन इतना कम भी टैक्स नहीं लगता। लेकिन एक चीज़ है कि मैनिटोबा में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत सस्ती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस लाइक ओंटारियो, क्यूबेक या ब्रिटिश कोलंबिया। अल्बर्टा में ऑलमोस्ट सेम ही है,
ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अल्बर्टा में सिर्फ एक चीज़ बेटर है मैटोबा से कि वहाँ पे सिटीज, एक चीज़ तो बेटर नहीं है, दो तीन चीज़ें बेटर है। एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है और टैक्स हेवन है अल्बर्टा में एज़ कम्पेयर टू मैटोबा। लेकिन लो कॉस्ट ऑफ लिविंग दोनों जगह ही है, बाकी इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी अगर आपको घर खरीदना हो, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको अपना घर खरीदना हो, आप चाहते हो कि कनाडा में मेरा भी घर होना चाहिए, तो मैटोबा में जो घर खरीदना है, मतलब जो अगर आप रियल स्टेट पे इन्वेस्ट भी करते हो, तो वो बहुत सस्ता है, इट वुड बी अ वेरी चीप। तो मैटोबा में आप आराम से अपना एक घर खरीद सकते हो, अपना कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है। तो ये चीज़ें बहुत बेनिफिशियल है अगर आप मैटोबा में रहना चाहते हैं, मैटोबा में कंटिन्यू करना चाहते हैं, मैटोबा में आप मूव ऑन होना चाहते हो, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी देखो यार, हर किसी प्रोविंस का प्रो कॉन्स होते हैं, और आपको मैं आखिरी में एक चीज़ कहूँगा, जहाँ पे इजी पीआर है वहाँ पे सर्वाइव करना इजी नहीं होता। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी नहीं अच्छा हो, जॉब अपॉर्चुनिटी ज़रूरी नहीं कि हो, इजी पीआर तो मिल जाएगा, लेकिन इतना पैसा कमा पाओगे या नहीं कमा पाओगे, आप जिस फील्ड से बिलोंग करते हो वहाँ पे उतनी अर्निंग है या नहीं है, इट्स ऑल डिपेंडिंग अपॉन दैट प्रोविंस, वहाँ पे इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, या वहाँ पे इतने ऑप्शंस आपके लिए पास हो गए या नहीं हो गए, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है। तो वीडियो को मैं डिपेंड करता हूँ, वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर कर देना अगर आपका दिल करता है तो। एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट दिस चैनल, यू कैन सपोर्ट दिस चैनल बाय सब्सक्राइबिंग इट, एंड इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बाय माय इंस्टाग्राम आईडी नवल डॉट चावला, जो भी आपको स्क्रीन पे शो रही है। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योर लाइफ।